डेफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर राजकुमार कलरी भूगोल प्रश्नोत्तरी विषय से संबंधित आगे के प्रश्न लेकर के सब उपस्थित हुआ हूँ। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? ए ऑप्शन झालावाड़ प्रतापगढ़, बी ऑप्शन भीलवाड़ा बांसवाड़ा, सी ऑप्शन करौली कोटा, डी ऑप्शन डूंगरपुर भरतपुर। डी ऑप्शन सही होगा। पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है? ए ऑप्शन श्रीगंगानगर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन जैसलमेर, डी ऑप्शन बाड़मेर। सी ऑप्शन सही होगा, जैसलमेर। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? ए ऑप्शन जैसलमेर, बी ऑप्शन बीकानेर, सी ऑप्शन बाड़मेर, डी ऑप्शन गंगानगर। बी ऑप्शन सही होगा, बीकानेर। राजस्थान का जिला जो गुजरात के बनासकांठा जिले की सीमा को स्पर्श करता है वह है? ए ऑप्शन जालौर, बी ऑप्शन डूंगरपुर, सी ऑप्शन बांसवाड़ा, डी ऑप्शन बाड़मेर। ए ऑप्शन सही होगा, जालौर। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश तथा गुजरात से लगती है वह है? बांसवाड़ा ए ऑप्शन, बी ऑप्शन उदयपुर, सी ऑप्शन प्रतापगढ़, डी ऑप्शन डूंगरपुर। ए ऑप्शन सही होगा, बांसवाड़ा। राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है वह है? ए ऑप्शन बांसवाड़ा, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन धौलपुर, डी ऑप्शन सवाईमाधोपुर। सी ऑप्शन सही होगा, धौलपुर। निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती है वह है? ए ऑप्शन बाड़मेर, बी ऑप्शन डूंगरपुर, सी ऑप्शन जालौर, डी ऑप्शन प्रतापगढ़। डी ऑप्शन सही होगा, प्रतापगढ़। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? ए ऑप्शन उदयपुर, बी ऑप्शन बांसवाड़ा, सी ऑप्शन डूंगरपुर, डी ऑप्शन प्रतापगढ़। निम्नलिखित कोड की सहायता से सुमेलित कीजिए। बी ऑप्शन सही होगा, 1, 2, 3, यानी उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर तीनों की सीमा गुजरात से लगती है। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? ए ऑप्शन हनुमानगढ़, बी ऑप्शन चूरू, सी ऑप्शन झुंझुनू, डी ऑप्शन सीकर। ए ऑप्शन सही होगा, हनुमानगढ़। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं? ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 4, सी ऑप्शन 5, डी ऑप्शन 3। सी ऑप्शन सही होगा, 5 राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती हैं। राजस्थान की स्थलीय सीमाएं कितने किलोमीटर लंबी हैं? ए ऑप्शन 1070, बी ऑप्शन 869, सी ऑप्शन 826, डी ऑप्शन 5920। डी ऑप्शन सही होगा, 5920। राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? ए ऑप्शन हनुमानगढ़, बी ऑप्शन गंगानगर, सी ऑप्शन बाड़मेर, डी ऑप्शन बीकानेर। ए ऑप्शन सही होगा, हनुमानगढ़। रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है? ए ऑप्शन हिंदूमल कोट गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक, बी ऑप्शन कोणागांव गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक, सी ऑप्शन हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालौर तक, डी ऑप्शन कोणागांव गंगानगर से बाखासर बाड़मेर तक। ए ऑप्शन सही होगा। भारत पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसको रेडक्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। इसका विस्तार हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक माना जाता है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े जिले हैं? ए ऑप्शन बाड़मेर, जैसलमेर, चूरू, हनुमानगढ़। बी ऑप्शन गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। सी ऑप्शन
बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर बीकानेर। डी ऑप्शन बाड़मेर जालोर बीकानेर गंगानगर। बी ऑप्शन सही होगा, गंगानगर, फिर उसके बाद बीकानेर, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर, चारों अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले जिले। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई है। ए ऑप्शन 1020 किलोमीटर, बी ऑप्शन 1070 किलोमीटर, सी ऑप्शन 1120 किलोमीटर, डी ऑप्शन 1170 किलोमीटर। बी ऑप्शन सही होगा, 1070 किलोमीटर। निम्न में से कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? ए ऑप्शन बहावलपुर, बी ऑप्शन खैरपुर, सी ऑप्शन थार पारकर, डी ऑप्शन लायलपुर। डी ऑप्शन सही होगा, लायलपुर। निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ अंतर्राज्यीय सीमा साझा नहीं करता है? ए ऑप्शन करौली, बी ऑप्शन सवाईमाधोपुर, सी ऑप्शन कोटा, डी ऑप्शन भरतपुर। डी ऑप्शन सही होगा, भरतपुर। निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? ए ऑप्शन भरतपुर, बी ऑप्शन डूंगरपुर, सी ऑप्शन सिरोही, डी ऑप्शन झालावाड़। डी ऑप्शन सही होगा, झालावाड़। पाली जिले की सीमा कितने जिलों से लगती है? ए ऑप्शन 8, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 9। ए ऑप्शन सही होगा, 8 जिलों से। राजस्थान के किस जिले से अधिकतम सीमाएं स्पर्श करती हैं? ए ऑप्शन नागौर, बी ऑप्शन भीलवाड़ा, सी ऑप्शन पाली, डी ऑप्शन अजमेर। सी ऑप्शन सही होगा, पाली।